बहुत ही मान ते सत्कार दे योग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे विच पहुंच चुके ने। मैं समुचे विधायक दल वल्लों उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत करदा। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग सारे ही MP साहिबान पहुंचे ने, सारे ही MLA साहिबान, सारे ही दूसरे दलां दे MLA साहिबान। मेरी बेनती है सारिआं नूं भाई इधर आ जाओ, औजला साहब इधर आ जाओ, अगले पासे इधर आओ, इधर आ जाओ, अमला साहब इधर आओ, सारे एक मिनट। मैं किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानां दे हक इत्थे रख, किसान मजदूर दे हक इत्थे रख, हिटलरी मोदी सरकार मुर्दाबाद, हिटलरी मोदी सरकार मुर्दाबाद। मैं काले कानून वापस लो, मेरी बेनती है सारे साथियों नू के बावां खड़िया करके नारे दा जवाब दो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, किसान मजदूर विरोधी काले कानून वापस लो, किसान मजदूर विरोधी काले कानून वापस लो। भाई सारे सिक्योरिटी वाले नु बेनती है, साथियों नु थोड़े थोड़े परे हो जाओ, थोड़े थोड़े परे हो जाओ, व्यू दे के ना आओ। पिछे MLA साहबान ने थोड़े जेड़े MLA साहबान MLA साहबान दे व्यू तो खुबी राम जी आप पासे करो, इन्हां नू तुसी उत्थे हो जाओ ना, थोड़ा जगह नू इधर इधर आ जाओ, अगले पासे आ जाओ, अगले पासे आ जाओ ना, फोटो पूरी आ जाऊगी, अगले पासे आ जाओ, इत्थे आ जाओ ना तुसी, अमर सिंह जी इत्थे आ जाओ, MP साहब उत्थे चलो ना, लंबा उत्थे इधर आ जाओ, अगले पासे इधर, फिर उन्हां ओह इत्थे नाल आ जाओ, उन्हां दे इत्थे फिर फोटो उत्थे, चौड़ी नहीं ना होनी। मैं आनंदपुर साहब, सत्कारयोग पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इत्थे आए, सारे MP साहिबान, वजीर साहिबान, MLA साहिबान और दूजे पार्टियां तो अज साडी इस मुहिम नू
हुंगारा देन आए सारे ही लीडर साहिबान। अज असी सारे इत्थे जंतर मंतर ते पंजाब दे किसानां दी आवाज बुलंद करन वास्ते इकट्ठे होए। इत्थे सारा दिल्ली दा मीडिया मौजूद है, तुसी सारे वो लोग हो जिहड़े संसद दी कार्रवाई नू कवर करदे हो, और तुसी वेख्या कि किस गैर कानूनी तरीके नाल, गैर संवैधानिक तरीके नाल ये जिहड़े खेतीबाड़ी नाल कृषि नाल हुए विधेयक ने इन्हां नू पारित किया गया और जामा बनाया गया। एक बहुत वड्डा कुठाराघात, एक बहुत वड्डी सट पंजाब दे, हरियाणे दे, पश्चिम उत्तर प्रदेश दे और मुल्क दे वख-वख हिस्सियां दे जिहड़े किसान ने उन्हां ते एनडीए भाजपा सरकार ने मारी। जदों उन्हां ने सरकारी खरीद और एमएसपी जिहड़ी 1966 तो चली आ रही है, जिहड़ा हिंदुस्तान दी किसानी दे दो खंभे ने, उन्हां नूं पूरी तरह नाल ध्वस्त करन दी कोशिश कीती। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी रहनुमाई हेठ पंजाब दी विधानसभा ने पंजाब दे किसानां दी दे हक्कां नूं प्रोटेक्ट करन वास्ते, उन्हां दे हक्कां दी राखी करन वास्ते बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए और अपने संवैधानिक अख्तियार दा उपयोग करदे होए विधानसभा दे विच सर्वसम्मति नाल बिल पास कीते। ओ बिल हुण केंद्र सरकार कोल ने, क्योंकि पंजाब दे जिन्ने विधायक ने दो भाजपा दे विधायकां नूं छड के उन्हां सारिआं ने उन्हां बिलां दी हमायत कीती है। अज असी इस अपनी मुहिम दे राही प्रधानमंत्री जी नूं और राष्ट्रपति जी नूं इह सुनेहा देना चाहुंदे हां कि उन्हां बिलां नूं जल्द तो जल्द पारित कीता जावे, उन्हां नूं सहमति दित्ती जावे जिहदे नाल ओह कानून बन जाण। पंजाब दे जिहड़े हालात ने ओह संवेदनशील हुंदे जा रहे ने। जिस तरह केंद्र सरकार ने रेल गड्डियां रोकियां ने, जिस तरह नाल फर्टिलाइजर रोकिया गया है, पंजाब दी किसानी नाल एक तो बाद एक धक्का हुंदा रहा है। पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील दौर तो गुजरिया है। 1980 तो लैके 1995 तक पंजाब दी अमन शांति नूं भंग करन वास्ते इह जिहा बाहरी ताकतां निरंतर और लगातार कोशिश करदियां रहिंदियां ने, और इस लई पंजाब दी विशेष परिस्थिति नूं देखदे होए ये सरहद दा सूबा है, उस चीज़ नूं संज्ञान च लैंदे होए असी प्रधानमंत्री जी नूं, हम प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस परिस्थिति को आप एक सामान्य तरीके से बदलें। पंजाब में परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाती हैं और बहुत जल्दी संवेदनशील हो जाती हैं, और इसलिए पंजाब की किसानी की रक्षा भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित की रक्षा है, और इसके इसीलिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि पंजाब की जो संवेदनशीलता है और पंजाब में जो एक नाजुक परिस्थिति बनी हुई है उसके बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हुण बेनती करदा हां सरदार सुखपाल सिंह जी खैरा MLA पलत ओ आउण ते अपनी गल आके रखन। सरदार सुखपाल सिंह जी खैरा सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मुख्यमंत्री पंजाब, सारे ही आदरणीय MP साहब, MLA साहब, दूसरियां पार्टियां तो क्योंकि अज ये विशा कोई एक पार्टी नाल तुलक रखने वाला नहीं गा, यह साडे सूबे दे भविख का मसला वा, साडे सूबे दे किसानी का मसला वा। इसलिए छोटिया मोटे अपने जिहड़े
आपस विच कोई साडे आपस कोई डिफरेंसेस ने उन्हां नूं परे करके अज असी सारे पंजाब दी आवाज दिल्ली दे इस जंतर मंतर विच अपना दुख रोण वास्ते एकत्र होए हां। सब तो पहला तो मैं कहूंगा कि मोदी साहब की सरकार बीजेपी की सरकार एक तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है। जिस तरह किसी वेले अंग्रेज या जिहड़े मुगल धाड़वी आउंदे सी पंजाब दे नाल धोखा करदे सी तक्का करदे सीगे, अज ओह रवैया साडी अपनी केंद्र की सरकार जिहनूं बहुत सारे पंजाब दे लोकां ने वोट पा के उहनां नूं प्रधानमंत्री तक की कुर्सी ते पहुंचाया, बजाए कि वह किसानां दीआं जायज गल्लां नूं स्वीकार करन, उहनां नूं एक गलबात वास्ते दिल्ली बुला के उहनां नाल बैठ के उहनां दी गल तसली करवाउण, उन्होंने उल्टा सबक सिखाउण दी नीति अपना ली है। उन्होंने पंजाब दे नाल जिद्दां एक उन्हूं टिचर करन दा दी नीति अख्तियार कर ली है। जिस तरह हुणे बोल के गए एमपी साहब, साडियां जिहड़ियां एसेंशियल कमोडिटीज़ है जो पंजाब नूं खाद चाहीदी आ, कोला चाहीदा वा, दिवाली दा त्यौहार आ रहा, बहुत सारियां जरूरी वस्तुआं दी लोड़ आ, साडियां ट्रेनां रोक दित्तियां ने, साडे पंजाब दा जिहड़ा असी इस देश नूं चलाउण वास्ते टैक्स अदा करदे आ, साडा जीएसटी दा बकाया 9,500 करोड़ रुपया रोक छड्डिया वा, रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा 1,100 करोड़ रुपया जो साडा एक अधिकार सीगा इस प्रणाली दे तहत उह साडा उह रोक दित्ता वा। और इत्थे बस नहीं, हुण उह कहिंदे हुंदे ने कि कुटदे वी ने ते सानूं रोण वी नहीं दिंदे, अज राजघाट नहीं जाण देना, राष्ट्रपति इस देश का किसी एक पार्टी विशेषता राष्ट्रपति नहीं हुंदा, लेकिन उन्होंने एक चुने हुए नुमाइंदियां नूं एक पंजाब दी 115 नुमाइंदियां दा मता पास किया होया, 3.25 करोड़ लोगों के जज्बातों की तर्जमानी करता है मता, उन्होंने मिल तो इनकारी कर दिता। ये नालों ज़्यादा अफसोसनाक गल नहीं हो सकती। सानू तो ऐ लगता वा पंजाब वालों जिदा असी भारत का सूबा ना हो के किसी दुश्मन देश का सूबा हो गए हैं। मोदी साहब का रवैया साढ़े प्रति इदा जिदा असी पाकिस्तान का कोई सूबा होने, बहुत माड़ी गल है उन्होंने वास्ते, ये देश की जमहूरीयत वास्ते खतरे की घंटी है। देश के जो आने वाला समा ये जिदा कह के गए ने पंजाब अज का नहीं बहुत अरसे तो शिकार होया वितकरियां दा, साडा पानी खो के लै गए, साडी भाषा दे नाल वितकरा हो रहा, साडी जिहड़ी जमीन है, सारे नैशनल मीडिया नूं मैं दसना चाहुंदा कि अज साडी ग्रीन रेवोल्यूशन तो लैके जिहड़ी साडे जो पैदावार कीती गई अनाज दी जिहदे नाल सारे भारत का ढिड भरिया, लेकिन साडे कुदरती स्रोत सारे पंजाब के खराब हो चुके ने। साडे पंजाब की धरती इन्ना ज़्यादा कीटनाशक फर्टिलाइजर खादा कीड़े मार दवाइया इन्निया ज़्यादा पाउनिया पईआं सानू कई दहाकियां तो कि अज पंजाब जिहड़ा वा उहदा सारा जमीन निचला पानी जिहड़ा वो जहरीला हो चुकिया वा, कंटैमिनेट हो चुकिया वा, और उहदा नतीजे वजो सब तो ज़्यादा कैंसर ना सिर्फ मालवे की धरती ते पंजाब दे बल्कि सूबे सारे पंजाब दे विच अज कैंसर बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते फैल चुका वा। कौन जिम्मेवार आ जिन्हां लोकां ने अपनियां जानां गवा लईआं, जिहड़े किसानां ने इस देश दा अनाज दा भंडार भरन लई अपना सब कुछ दाह ते ला दित्ता, अज पंजाब दा किसान 1,00,000 करोड़ रुपए दा कर्ज़ ही आ, अज पंजाब दा किसान आत्महत्यावां कर रहा वा, एक एक्टर सुशांत राजपूत कोई आत्महत्या करदा सारे देश का मीडिया कई महीने उस आत्महत्या ते चर्चा करदी आ, सीबीआई की जांच हुंदी आ, ईडी की जांच हुंदी आ, सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लैंदा, ते पंजाब दे विच मेरे सत्कारयोग मीडिया के सारे भैनों भराओ हजारां लोगों ने आत्महत्या की आ, किसे सुप्रीम कोर्ट ने किसे ईडी किसे सीबीआई किसे केंद्र की सरकार ने यह भी नहीं मुनासिब समझिया कि असीं इन्हां दा हाल ही पुछ लईए जाके। ये अज पंजाब दे साडे हालात ने, और पंजाब दा किसान बहादुर देखो 2-3 महीनों तो संघर्ष कर रहा, अज तक किसी के चीची के उत्ते सट भी नहीं लगन दी उन्होंने लोगों ने, बिल्कुल शांतमई, लेकिन केंद्र की सरकार उसका रही है जिदा उकसा रही है कि इन्हों जिदा पंजाबी कहते हैं कि टिचरा करो इन्हों होर इन्हों चढ़ाओ ता कि कोई हिंसक रुख अख्तियार कर सके साडा सूबा। और मैं कहना चाहना इतों
मीडिया के जरिए सारे एमएलए सत्कारयोग बैठे ने। 80 के दहाके में जो पंजाब ने संताप हंडाया, केंद्र की सरकार की फितकरे वाली नीतियां सानू उधर नू तक रही ने, और जे कल नू पंजाब अराजकता वाल गया, कोई किसी के नाल भनतोड़ होई, कोई कतलोगारत होई, तो मोदी साहब तो बीजेपी दे सरकार ये लोग इतों के लोग जिम्मेवार होंगे। इसलिए इस नू जिनी छेती हो सके किसानां दे मसलियां नू मंगदे की ने बेचारे, मंगदे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रणाली जिहड़ा तुहानू दस के गए ने तिवाड़ी साहब के 1966 तो प्रचलित है, और कि प्रणाली जिसने उन्होंने 1,00,000 करोड़ का कर्जा ही किया वा, भोले इन्ने ने किसान मंगना तो सानू चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, अज कणक का भा जिहड़ा 1 क्विंटल 1900-2000 रुपए वा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के फॉर्मूले हिसाब के 7,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए वा, 5,000 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा खा के इस देश के अनाज के भंडार को भरन वास्ते किसान सब कुछ दाते ला रहा, सब कुछ लुटा रहा। उन्होंने घर के हालत देखो जाके, तुम पंजाब का 3.25 करोड़ आबादी चो 60-70 लाख पंजाबी विदेशों में भज चुका वा, साढ़े नौजवानों के कोल जॉब्स नहीं गिया, साढ़े नौजवानों के कोल कोई भविख नहीं गा, एक रोटी खाने का साधन खेती जिहदे तो अपनी जिंदगी की कमाई कर सकते सीगे, मोदी साहब उन्होंने मूहों किसानों के मूहों चो बुरकियां खो रहे ने मेरे वीरों। इसलिए ये बहुत माड़े संकेत ने, और साड़ी सरकार बैठी पंजाब दी, साड़ा हक्की पैसा जिहड़ा GST दा RDF दा तुरंत रिलीज किया जाए, साढ़े 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा स्टेट दे उत्ते, साढ़े कोल बच्चों नू नौकरी देने वास्ते पैसे नहीं गए, साढ़े कोल अपना व्याज देने वास्ते पैसे नहीं गए, तो केंद्र सरकार साढ़े पैसे रोक रही है। और इस तो अखीर च मैं कहना चाहना एक गल कि देखो आ सारे बैठे ने, पंजाब की विधानसभा च 20 अक्टूबर 115 MLAs ने सर्बसम्मति नाल मता पास किया वा, MLAs ने, कोई नासमझ लोगों का इकट्ठ नहीं सीगा, पढ़े लिखे विधानकार लॉ मेकर्स। अज साडे विचों 2 धिर अकाली दल और आम आदमी पार्टी जान बुझ के इस पंजाब के किसानों की मुहिम नू कमजोर करन वास्ते, उन्हू खोरा लाउन वास्ते अज वो इस गल तो मुकर गए ने, और कहिंदे राष्ट्रपति नू मिलन का की फायदा वा, बई जे राष्ट्रपति नू मिलन का नहीं फायदा तो फिर रोज़ गवर्नर पंजाब के कोल जिथे पुलिस वाले इदा टेप ला के MLA नू गवर्नर तक जान भी नहीं देंदे, तुसीं उत्थे नित दिन जाके मेमोरेंडम दे के आउंदे आ, वो ज्यादा, और गवर्नर तो इस देश की सरकार का एक एजेंट आ, अपॉइंटेड होया आदमी आ, राष्ट्रपति का फिर भी इस देश का एक हैड है। और अकाली दल दे बहुत दुख की गल, अखे धोखा कर दिता, असी सारे उत्थे गवाह वा विधानसभा के अंदर बैठे हाँ, किसे अकाली लीडर ने, किसे आम आदमी पार्टी के MLA ने एक शब्द भी इन्हां कानूनों के खिलाफ नहीं बोलिया अंदर। अगर तुहानूं लग रहा सी कि धोखा हो रहा तो तुसीं 10 घंटे बहस चली आ, तुसीं उठ के बाहर जाके मीडिया नूं दस दिंदे, नहीं कर सके। उस तों बाद कानून पास कराए तो मुख्यमंत्री दे नाल गवर्नर पंजाब नूं मिलन वास्ते आप गए ने उत्थे, तो हुण कहिंदे धोखा हो गया वा। धोखा अगर किसी ने किया वा तो ये लोग जिहड़े दोगली राजनीति कर रहे ने, अंदर कुछ मीडिया के बाहर कुछ, और जो ये इल्जाम लाउंदे ने, जो इल्जाम लाउंदे ने कि फलाना बी टीम है BJP की, फलाना RSS की बी टीम है, मैं कहना चाहना कि दोनों धिर अज BJP की बी टीम बन के साडे किसानां दे इस संघर्ष नूं कमजोर कर रही है। ये बी टीम ने जिहड़े 2 धिर इत्थे नहीं आईआं। अंत विच मैं यही कहना चाहना मुख्यमंत्री साहब नूं कि इस संघर्ष नूं डेमोक्रेटिक तरीके नाल ते पीसफुल तरीके नाल होर अगे लैके जाओ। इस अज दे धरने तो बाद इस नूं इहदी अगे अच्छी रणनीति बनाओ जिहदे नाल असीं अपने अधिकार, अपनियां मंगां, अपने पैसे, अपनियां खादां, अपना कोला जो साडा अधिकार है संविधान दे थले उस नूं असीं हासिल कर सकीए, और किसानां नाल हो रहा जुल्म उस नूं रोक सकीए। और मैं नाल कहूँगा कि पंजाब की समूह लीडरशिप बैठी है, एक गल अच्छी तरह समझ लो कि पंजाब का जिहड़ा ये कर्जे का मसला है ये लथणा नहीं गा अपने तो, जद तक तुसीं कोई विलक्षण सोच विचारधारा नूं अपनाउंदे नहीं गे। एक कार एक राह उहदे विच इह भी है कि पंजाब नूं पाकिस्तान दे नाल बणदे बॉर्डर का जिहड़ा ट्रेड का बॉर्डर आ उह खुलना चाहीदा वा, क्योंकि असी लैंडलॉक स्टेट आ, साडे कोल कोई बंदरगाह नहीं है, साडे कोल कोई साधन नहीं गे, बॉर्डर खुले, ट्रेड आपस विच होवे, व्यापार वधेगा, किसानी वधेगी, पंजाब दे
हर प्रोडक्ट की कीमत जी अच्छी मिलेगी। ये सारी जमात न ठीक है, साढ़े उन्होंने नाल तलुकात ठीक नहीं गए, लेकिन ट्रेड का ट्रेड वास्ते खेती इंडस्ट्री अगे ले जाने वास्ते पाकिस्तान नाल बॉर्डर खुलना बहुत जरूरी है। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं असी हर 100% अज असी पंजाब वास्ते इत्थे पहुंचे हाँ, अज किसानां दे वास्ते पहुंचे हाँ। और जिथे भी कि प्रोग्राम उलीकोगे जो भी वध तो वध पंजाब लई किसानां लई कुरबानी देनी पवे, भावें चाहे सरकार भावें जावे साडे MLA दे अहुदे ते भावें जाण रुतबे, लेकिन साडा सूबा हमेशा साडे दिल विच नंबर एक ते रहेगा। और जो भी प्रोग्राम अगला उलीकणगे असी पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के हमेशा अच्छी गल का साथ देंदे रहोंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। मैं हुण बेनती करदा सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू उन्हां नूं कि वह आके अपनी गल रखन। सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब, मेरे साथी साहिबान बैंस साहब, खहरा साहब, थोड़ा खैर मकदम करदा। सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। यह धमाका ही है, यह मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई MP बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैंने बात नियत की है, नियत की। नियत साहब नीति में दिखती है, और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने। आप अगर यह सोचते हो कि यह कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे यह कहता हूं, छाती ठोक के यह कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। ये लीडर हैं, 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ भेड़ें शेर हो जाती हैं, और ये शेरों के आगे बब्बर शेर हैं। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की, और यहां वाजिब है। ई नैम तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ई नैम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, वो SDM के पास जाएगा या वो DC के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे, इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि 1-2 कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, और वो मोनोपोली बना के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती हैं। ये वही हो रहा है, ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये
पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की यह साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया। 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह, 17 लाख करोड़ के एनपीए। पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदेही बनाया किसी को। 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन, वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अशोर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अशोर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर टू, ये पहला था। पॉइंट नंबर टू, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इंपिंजेस एंड इंपीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब। इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं। और प्रीएम्बल में एक वर्ड आता है फ्रटर्निटी। फ्रटर्निटी का क्या मतलब है? फ्रटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं, हम पारिवारिक सांझ में बंधे हुए हैं, और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम अपने स्टेट की बात बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं, हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं। एकता तो जेल की भी होती है, लेकिन साहब ये जेल की एकता नहीं है, ये आपसी भाईचारे की, हिंदुस्तान की एकता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वो संजीदगी से लेने वाली बात है। जो लोग, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं, जो लोग वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, वो पंजाब के चुने हुए नुमाइंदों की और एक चीफ मिनिस्टर की आवाज को दबा रहे हैं और कुचल रहे हैं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीएसटी की तरह ये पंजाब की इनकम पे वार है। तुम हमारे ही पैसे लेते हो जीएसटी में, तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए, और तुम हमें ही वो पैसे दे नहीं रहे। ये कहां का इंसाफ है भाई? चोरी और सीना चोरी, क्या ये सरकारें ये करेंगी? हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो? धिक्कार है ऐसी सरकार पे। काहे का फेडरल ढांचा फिर? काहे की आपसी भाईचारक सांझ? और तुम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाते हो, आई एम यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तुम हमारी रेलें रोकते हो, हाँ? तुम सामान नहीं पहुंचने दोगे, तुम थ्रेटन करते हो हमें। एक तो तुम हमारे किसान की, और ये किसानी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पंजाब, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये हमारी पगड़ी है। तुम हमारी पगड़ी को हाथ डालोगे तो वो हाथ तोड़ के डालेंगे। तुम्हारी पगड़ी को हाथ डालोगे
वो हमें मंजूर नहीं है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि तुमने हमें सवेरे भी रोकने की कोशिश की। किसानी का संघर्ष जो है वो पवित्र संघर्ष है, झंडे में डंडे वाला संघर्ष है, नॉन वायलेंट संघर्ष है। तुम उस संघर्ष को बाहरी ताकतों के साथ जोड़ोगे तो तुम किसान का निरादर कर रहोगे, उसका अपमान करोगे, वो हम सहन नहीं करेंगे। अगली बात मैं कर रहा हूं, पहले आपने जीएसटी छीन लिया, हमारी मंडियों से 5,000 करोड़ रुपया, सीएम साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, 5,000 करोड़, पिछले साल 4,000 करोड़, इस साल 5,000 करोड़, बाप दादाओं ने, हमारी पुश्तों ने, चार पीढ़ियों ने मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब, जहां आपने ये मंडियां नहीं है, जहां आपने ये पहले लागू किया, मुझे ये बताएं कि वहां का किसान, उसकी क्या हालत है। वो लेबर कर रहा है, लेबर कर रहा है। देखिए आप, मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है, हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे, इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे। और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा। मनु साडी दात्री असी मनु दे सोए, जो जो मनु वड़दा असी धूण सवल्ले होए, असी धूण सवल्ले होए। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त, उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। ईंट को आग में डालोगे, सोने को आग में डालोगे, वो पक जाएगा और भी चमकेगा। मैं अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा हूं कि पहले आपने जीएसटी छीना, फिर आप हमारी मंडियों पे आ गए, 28,000 आड़ती रजिस्टर्ड, 5,00,000 मजदूर जो मंडियों में काम करता है, हमारे बाप दादाओं का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हो। और जहां तुमने ये फ्री मार्केट लगाई है वहां किसान लेबर कर रहा है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, क्या यह अकेले पंजाब की बात है, क्या ये अकेले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है या इन एमएलओ की बात है? नहीं, ये हर हिंदुस्तानी की बात है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आएगी, भुखमरी आएगी। मैं कह रहा हूं आज, कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने इस कानून में अंबानी और अडानी साहब जैसे लोगों को, होर्डिंग को लेजिटिमाइज कर दिया। आपने उसमें लिख के दिया कि आप ये अनाज अपने गोदामों में रखिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए। भुखमरी का कारण क्या है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई डिबेट कर ले मेरे साथ, कोई, भुखमरी का कारण यह नहीं है कि अनाज नहीं है, अनाज होता है साहब, अनाज गोदामों में होता है अंबानी और अडानी साहब के, लेकिन वो गरीब की पहुंच के परे हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन आती है। और इन्फ्लेशन का असर अमीरों पे नहीं होता, हम तो कहते हैं भर दे भैया अपना टैंक भर दे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो गरीब 500 रुपए कमाता है वो 500 रुपए की वैल्यू 200 रह जाती है, जो वो 500 में खरीदता था वो 2000 में खरीद नहीं पाता। तुम्हारी जीएसटी ने व्यापारी मारा, और आज ये काले कानून किसानों को मार रहे हैं, हमारी पहचान को मिटा रहे हैं। बाबा नानक ने दी थी ये हमें पहचान, मरते हुए मर जाएंगे, इस पहचान को नहीं मिटेंगे, मिटने देंगे, नाम ही खोदेंगे तो किधर जाएंगे, और पहचान खोदेंगे सिद्धू तो बिखर जाएंगे, नहीं बिखरने देंगे हम पंजाब को। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप एहसान फरामोश हो गए हो, आप एहसान फरामोश हो गए हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। किस तरह से कहता हूं? क्या पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी? नहीं, पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा, 2% लोगों ने 67% लोगों का पेट भरा। फिर तुमने गरीब को अन्न कैसे दिया? सस्ती एमएसपी पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से उठा के आपने 80 करोड़ लोगों का पेट भरा, और उसी को पीडीएस द्वारा उन्हें सप्लाई किया। पेट्रोल 6 रुपए का था 92 में, 78 का हो गया, और किसान की एमएसपी 3 गुना बढ़ी, वो 12 गुना 17 गुना, और ये 3 गुना। कॉरपोरेटों में जो काम करते हैं 1,000 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई, और 1982 से लेके किसान की एमएसपी सिर्फ 15 गुना। ये कहां का इंसाफ है? ये किस तरह हम बयां करें, चाहे मंडी एमएसपी मॉडल हो या दूसरा, पहले केंद्र ने हमें इस्तेमाल किया और फिर यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी करके इन्होंने हमें फेंक दिया। ये 3 पॉइंट मेरे इस केंद्र की सरकार को कहीं भी किसी को भी भेज दें और बहस कर लें खुलेआम, जहां बुलाएंगे
मैं आऊंगा, यदि हार गया राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा, सदा के लिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उन्हें यह फिक्र है, आखिर में ये मैं शेयर करके फिर सीएम साहब के हवाले स्टेज करता हूं, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा होती है जुल्म। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन अशरन की, गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। अरे सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। बात खत्म। मैं हुण बेनती करदा सरदार परमिंदर सिंह जी ढींसा साहब के ओ आन ते आके अपनी गल रखन, अपनी पार्टी वालों सरदार परमिंदर सिंह जी ढींसा साहब। अज दे इस रोस धरने दे उत्ते पहुंचे साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां दे नाल सारे ही विधायक साहबान, एम पी साहबान, सारिया पार्टियां दे आगू साहबान, समुची प्रेस, सब तो पहला सारिया नूं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सारे ही असी पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब जी ने जो सद्दा दिता सी सारिया पार्टियां नूं, अज दे इस राष्ट्रपति साहब नूं मिलन दे प्रोग्राम वास्ते जो बाद विच एक धरने दा रूप लै गया, ते मैनूं दुख दी गल है कि जिहड़े लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे एक सूबे दी सरकार देश दे राष्ट्रपति तों मिलन दा समां लवे ते उहनां नूं मिलन दा समां ना मिले, ते वह भी जब तुसी दो हफ्ते पहला सूचित कर दो भी सानू मिलन दा समां दित्ता जावे, तां इस तों मंदभागी गल कोई हो नहीं सकती। असी कोई आपदा मुद्दा लैके नहीं आए इत्थे, असी पंजाब दे लोकां दा, पंजाब दी किसानी दे मुद्दे लैके आए हां। साडे आपस विच बहुत मतभेद ने, कांग्रेस नाल पहला भी मतभेद सी, अगे भी रहणगे, पर अज असी इकट्ठे होए हां पंजाब दे लोकां वास्ते जिन्हां ने सानू चुणिया, जिन्हां ने चुन के आपदे हितां दी राखी करन वास्ते सानू विधानसभा विच भेजिया। ते इसलिए अज दा ये रोस धरना इस देश दे आजादी तो बाद मैं समझदा इतिहास दे विच कलंक दे तौर ते देखा जाऊगा। क्यों? क्योंकि आम लोकां नूं की न्याय मिल सकदा जद चुने हुए नुमाइंदियां नूं धरने ते बैठना पै रहा। इस गल दा सानू एहसास करन दी लोड़ है। ते मैं इस दे नाल ये भी कहना चाहुंना भी जेड़े ये तिन्ने काले कानून जेड़े पास किए गए ने, जेड़े अखौती किसानां दे हितां लई केंद्र सरकार ने कहा, पर ना तां किसानां दी राय लई गई, किसी किसान जथेबंदी नूं पुछया नहीं गया, अते इस कानून जेड़े लागू करते। ते हुण आपां ये हालात देख लो भी केंद्र सरकार किसे किसान जथेबंदी की गल सुनन नूं तैयार नहीं, उन्हां नाल बैठ के विचार चर्चा करन नूं तैयार नहीं, अते उल्टा जद पंजाब ने इस कानून नूं सोधन वास्ते जिहड़ा एक्ट पास किया तां उस तों बाद पंजाब दे उत्ते मैं समझदा तानाशाही फैसले पंजाब दे खिलाफ करने शुरू करते। तुसीं देखो कि इस एक्ट ए तिन्ने जिहड़े बिल पास होण तों बाद पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दा ब्लॉकेट कर दिता गया। पंजाब विच कोई गुड्स ट्रेन नहीं जा सकती, कोई कोला नहीं जा रहा, कोई रेह नहीं जा रही, होर जरूरी वस्तां नहीं जा रही, तां कि पंजाब नूं उहदे गोडियां जिहड़े पार कर दिओ। पर पंजाब दे लोक बड़े शान नाल जाउण वाले, आपदी पग दी हमेशा उन्होंने कदर की है, कदे भी किसी सरकार दे अगे गोडे नहीं टेकणगे, चाहे जिन्ना मर्जी सरकार जुल्म कर ले। आ तुसी किड्डे तानाशाही फैसले ने
कहते जे कोई पराली नूं अग लाऊगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना 5 साल की सजा की जाऊगी। ये की है जानबूझ के नहीं किया गया। यह सारा कुछ पंजाब नूं विशेष तौर पर टारगेट करने वास्ते ये सारे फैसले किए ने। ते अज साडा इत्थे आउण दा मकसद भी यही है कि केंद्र सरकार नूं इक गल दसीए कि पंजाब दे सारे चुने हुए नुमाइंदे असी कट्ठे हाँ ते असी उहनां दे तानाशाही फैसलिआं नूं कदे हरगिज जिहड़ा सहन नहीं करांगे। मैं अपील भी करना चाहुंदा इत्थों साडे दो साथी पार्टियां आम आदमी ते पार्टी अते अकाली दल बादल वह दोनों अज इत्थे नहीं आए। हालांकि जब एक्ट पास होए उदों उन्हां दा समर्थन सी समाज लोड़ सी भी असी एक एकता दा सबूत देईए वह नहीं आए। बड़ी मंदभागी गल है। मैं उन्हां नूं भी अपील करूँगा कि भविख दे विच जद भी होर प्रोग्राम भी मैं समझदा अज लड़ाई खत्म नहीं है होर भी प्रोग्राम लिखने पैने ने उहदे विच सानू सारिआं नूं इकट्ठे होके जिहड़ा है चलना चाहीदा है। मैं सीएम साहब नूं अपील करदा कि मैं दो गल्लां उत्थे विधानसभा विच कहीआं सी उदों सीएम साहब हाजिर नहीं सी। एक तां असी जिहड़े कानून पास कीते ने एक दर्शाउण लई पास कीते ने कि असी केंद्र सरकार दे नाल डट के लड़न लई तैयार हाँ। आपां नूं पता है लंबी लड़ाई है पर असी संकेत केंद्र नूं साफ करता भी असी थोड़े नाल लड़न लई तैयार हैं असी चिपण वाले नहीं। उहदे नाल नाल मैं अपील यह भी कीती सी कि एक वक्खरा कानून पंजाब दा पंजाब जिहड़ा किसान वाली फार्मर प्राइस इंश्योरेंस एक्ट एक सैपरेट भी जिहड़ा पंजाब दी विधानसभा विच लैके आओ तां कि इमीडिएट रिलीफ जिहड़ी है पंजाब दे किसान नूं असी दे सकीए। दूजी मैं बेनती करदा कि अज एक दिन दे संकेतक धरने दे नाल मैं समझदा यह मसला हल नहीं होना। सानू लंबा प्रोग्राम तुसीं जिहड़ा है पंजाब सूबे दे मुखी हो थोनू जिहड़ा है कोई लंबा प्रोग्राम उलीकना चाहीदा है तां कि जब तक केंद्र सरकार आपदे इह लोक विरोधी फैसले वापस नहीं लैंदी उदों तक साडा इह जिहड़ा कोशिश साडा संघर्ष इह जारी रहे। असीं थोड़े नाल पूरी चट्टान वांगू डट के खड़ांगे। मैं थोनू विश्वास दवाउणा जे सानू कहोगे असीं पहलां चलांगे। तीजी गल मैं बेनती होर करदा कि किसान जथेबंदियां वालों 26 ते 27 तरीक दा धरना दिल्ली दे विच रखिआ उह वी अपनी इह सारे संघर्ष इक्को ही है। जे मैं गल करां सानू सारिआं नूं इत्थे जिहड़े इत्थे बैठे हैं यह फैसला करना चाहीदा भी असीं उस जिहड़े लड़ाई दे विच वी उहनां दे नाल बैठीए जाके 26 ते 27 तरीक नूं सारे जाके किसान संघर्ष दे विच बराबर दा हिस्सा पाईए तां कि इह अड अड प्रोग्रामां दे नाल ही एक प्रोग्राम थले एक झंडे थले एक अगवाई दे विच इह असीं लड़ांगे तां वश जित प्राप्त होगी। क्योंकि पंजाब उह देश है प्रदेश है जिन्हें हमेशा जब लोड़ पई देश नूं सब तो अगे खड़ा होया चाहे देश की आजादी की गल सी सब तो वध कुर्बानियां पंजाबियों ने दित्तियां देश ने जंगा लड़िया उदों सब तो वध कुर्बानियां शहीदियां पंजाबियों ने दित्तियां। देश भुखमरी नाल लड़ाई लड़ रहा सी उहदी लड़ाई पंजाब ने दित्ती लड़ी पर मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा है कि जब पंजाब नूं लोड़ पई कदे भी इतिहास वल निगाह मार लो पंजाब नाल कोई नहीं खड़ा। यह दुख की गल है पर पंजाबियों कोल एडी ताकत हैगी है भी असी आपदी लड़ाई आप लड़दे समर्थ हाँ ते सानू ये लड़ाई जारी रखनी चाहिंदी। असी अगे होके सारे कट्ठे होके लड़ाई लड़िए। मैं अपील करना फिर मानयोग मुख्यमंत्री साहब का मैं धन्यवाद करदा भी इन्होंने प्रोग्राम लिखिया। फिर सारे ही पार्टियां नू मैं दोबारे अपील करदा भी कट्ठे होके सानू ये लड़ाई लड़न की लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुण बेनती करदा पंजाब दे सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि ओह सर उत्थे ही आ जाणा जी उत्थे ही आ जाणा जी इत्थे ही इत्थे लै आओ पाड़ा साहब दे कोल अगे लै आओ अगे लै आओ। मैं हुण बेनती करदा पंजाब दे सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं के ओह आउण और पंजाब दे लोकां दी पंजाबियां दी किसानां दी मजदूरां दी आवाज और जो इह धक्का केंद्र दी सरकार कर रही है
पंजाब दे किसान दे नाल, मजदूर दे नाल, और पंजाब दे लोकां दे नाल उहदे बारे दे विच अपनी गल रखन। मेरी बेनती है सारे साथियों नूं, बेनती है भी सारे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे, सिर्फ सिर्फ मुख्यमंत्री साहब खड़े होणगे, सारे साथी बैठ जाओ, कृपा करके सारे बैठ जाओ, उदों तक मैं माइक नहीं देना, सारे बैठ जाओ भाई। बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आज मेरे मेंबर पार्लियामेंट साडे पंजाब दे और साडे एमएलए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, साडे पार्टी दे नाले होर पार्टियां दे परमिंदर जी उन्हीं बोल के गए ने और खेड़ा साहब जी बोल के गए ने और असी सारे उरे हम आए हैं यहाँ। मैं थोड़े हिंदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बने, फिर भी हम आए यहाँ, आपको सबको मकसद का पता है। हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल हम चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को एमएलए को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया चार साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे, बाकी सारे इधर एकत्र हुए। हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारी 3,40,00,000 की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहां बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बे गोल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, तीन बिल हमने देखा है इनको, कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं आशु जी, धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम, 1,00,000 मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी आज दी, 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी इस रिकॉर्ड एक इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम ही कुछ और है, तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक 1966 में आया था लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को, कि मेरा आड़तिया कौन है, उसको जाके अपनी जिंस जो भी था देते थे और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कट 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 आकर
उससे पैसे ले लेते थे आरटीआर से, एक सिस्टम चला आ रहा था, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं, मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे, और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं, तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार होगी, कहां से पैसे लाएगा वो? विल ही गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका, किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो? लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस, बाय रिप्लेसिंग वन सिस्टम विद अनदर सिस्टम व्हिच डज नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क इन पंजाब, एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू। हु इज स्टॉपिंग? आज कीनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। सो नोबडी इज स्टॉपिंग एनीवन, जिसने खरीदना है खरीदने, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी, जब किसान नाराज हो गए और वो 31 किसान यूनियन से मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी, मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं, सिर्फ आज हिस्सा दे के उसके वापस जाने का, उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनके पेट की, मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए, एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा, वी हैव अ नेबर हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेल अवेयर ऑफ जो पोजिशन वहां है। 1, 2, 3 drones आर कमिंग अक्रॉस एवरी डे विथ वेपन्स विच दे आर ड्रॉपिंग। नाउ दैट हैज टू हैपन टू सम, इट गोज इन टू गैंगस्टर्स हैंड्स, इट गोज इन टू एंटी नेशनल हैंड्स, विच विथ सम ऑब्जेक्टिव सम टाइम और अदर कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप, हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही है इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वॉन्ट ट्रबल, पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गांवों पे ही शेयरिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहां मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोपखाने की तबाही होती थी हमारे गांवों में, और हमारे जो गुरदासपुर अमृतसर तरन तारण वाले बैठे हैं सामने, उनको मालूम है ये जो कुछ हो वहां होता है। तो ये बातें, वी डोंट वॉन्ट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन्स, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद, सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशन है प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है,
लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से। दो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान दो पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, तो उनको मैंने कहा कि आप इस ये दो लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन्स को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन्स को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने कहा कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूं, जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आप कहो, जो आप रेलवे वाले कहो, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है, वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से। ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास, 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहां, वो नहीं आया हमारे पास। Why are you doing this? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटाऊं, मेरे पास बारदाना नहीं है। वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है मेरे पास। कनक की बिजाई शुरू होगी गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डायमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास अभी शॉर्टेज ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस बार उस जो मंडी में हमारी पड़ी है वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉरपोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे हमारे पंजाब के लिए, विच दीज पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रेन हमारे साथ हिमाचल में भी यही ट्रेन जाती है, जम्मू कश्मीर भी सप्लाई को होता है, लद्दाख में भी। और आप नहीं जानते उतनी ठंड कितनी होती है, अगर सियाचिन में कोई जाए या द्रास में कोई जाए तो 40% बिलो सेंटीग्रेड इज थिंग, एंड इफ यू डोंट गेट सप्लाईज इन टाइम टू स्टॉक अप फॉर द विंटर, देन व्हाट इज दिस सोल्जर गोइंग टू डू? कोई नहीं सो सकता उधर, वो अपने तंबू और बंकर्स में कैरोसिन के बर्नर लगाते हैं, कैरोसिन भी पहुंचनी चाहिए। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, टू आर नेबरिंग स्टेट्स एंड टू अस। ये कह दिया था उन्होंने हमारे जो किसान यूनियन थी इससे पहले, बहुत बहुत पहले, कि हम सड़कें खोल देते हैं, और मैंने कह दिया था पीयूष गोयल जी को सड़कें खुली हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। अब इसका जिक्र हुआ आज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसका भी जिक्र किया था, आई ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बुक विद मी ताकि मैं आपको सुना सकूं। अब अंडर द 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, पहले तो यूनियन लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डिपार्टमेंट्स को संभाल सकती है, दैट इज 97 आइटम्स दे टू। नंबर टू इज लिस्ट 2 विच इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में इट इज रफली 54 आई थिंक इट इज आइटम्स जो हैं, उसमें से नंबर 14 स्टेट्स दैट एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च
प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीजेस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हमारा फैसला है कि हम क्या करें कि ना क्या. दैट्स द फेडरल सिस्टम दैट हैज वर्क्ड इन इंडिया एवर सिंस इंडिपेंडेंस. इन्होंने क्या किया, ये इसको डिस्कार्ड करके दे ब्रॉट इट अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन विच दे हैव सेड नंबर 33 with their said trade and commerce in production and supply. Trade and commerce. Now is agriculture trade and commerce? As I have seen it and as an agriculturist, I think sabhi jante hain, agriculture ka matlab hai sowing seed in the ground to produce a crop for consumption. Marketing is something different. So they have cut it out of the seventh schedule and taken it into the and charged this. So we, under the concurrent list, which we have the authority to do, we have challenged it and made it the ones we have farm laws which we have passed. अब इसमें हमने जो हम समझते थे कि गलत बात थी वो हमने इसमें अमेंड की है अपने अपने बिल्स में. और आज जो आया अखबारों में कि मैं कोई प्रेसिडेंट साहब को मिलने जा रहा था, राष्ट्रपति जी को, इनको ये बताने, मैं नहीं बताना ये इसलिए जा रहा था. मैंने, मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास. क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स. वो हम देते हैं उनको, हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए. दो हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची. उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट. नाउ वी वांट टू नो दैट. सो आई डिड नॉट गो टू सी द वांटेड टू सी द प्रेसिडेंट फॉर दिस रीजन. आई वांटेड टू सी हिम. ही इज आवर प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ आवर स्टेट, आवर कंट्री, एंड इट इज माई ड्यूटी टू ब्रीफ हिम के फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस एंड जो हमारी फूड सिक्योरिटी पर्पसेस व्हाट द सिचुएशन इज. व्हेन द बिल कम्स इट इज फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक हिज डिसीजन. हाउएवर वी आर डूइंग दिस एंड वी हैव चैलेंज्ड इट अंडर 254(2) व्हिच वाज अ सॉल्यूशन गिवन टू बीजेपी रूट स्टेट्स बाय मिस्टर जेटली, अरुण जेटली, कि आप ये 254(2) से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें आप डोंट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, 254(2) में चैलेंज करो. तो हमने तो उनकी जो 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 रिस्पॉन्स थी जो उन्होंने किया, एंड उस टाइम राष्ट्रपति जी ने उसको जो उन्होंने पास किया, उनके स्टेट्स ने पास किया, वो उन्होंने प्रेसिडेंट गेव फुल असेंट टू दैट बिल्स. सो आई होप जब आएगा कि राष्ट्रपति जी इसको देखेंगे वो भी उसी बेसिस पे इसको असेंट देंगे अपनी. सो माय पॉइंट इज दिस नाउ ओनली के प्लीज डू नॉट थिंक दैट पंजाब इज अ स्टेट विच इज आउट टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस कंट्री. वी आर नॉट, वी आर देयर टू प्रिजर्व द पीस ऑफ दिस कंट्री. माय जॉब, ये मेरा काम है. And I have told you, I am also a minister. I know what Pakistan is up to. There will be what China is up to. There will be collusiveness in there whenever any trouble takes place. And if it takes place, which I hope it doesn't, but it will take. But we are there to give our blood. We have given our blood many times in the past for our country. And we will do it again. That's not a problem. My problem is that you must now look at us in that light. And I hope that the government of India will look at us, हमारी दिल्ली की जो सरकार है हमें देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं. हम कोई झगड़ा नहीं चाहते. इफ यू नोटिस देयर हैज बीन नो कैजुअलिटी. पंजाबी दे विच भी बोलना फिर समझ आने हो सारे किधर. अच्छा पंजाब गल है कि मैं असी इथे पंजाब ने अपना खून डोलिया इस अपने देश के लिए. पता नहीं किन्ने लखा बंदे शहीद हुए ने,
किन्ने जंग साडे होए ने 1947 दा 1962 दा 1965 दा 1971 दा 71 दा कारगिल दी लड़ाई 1999 विच सब लड़के उत्थे साडे शहीद होए ने। इत्थे जिहड़ी गलवान दे विच हुण एक्शन होया पिछे जे हू वर दे डू यू नो विच ब्रिगेड इट वॉज, इट वॉज 81 पटियाला ब्रिगेड जो पटियाला का हेडक्वार्टर था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स उसको 81 ब्रिगेड बना दिया था एंड इट्स कॉल्ड 81 ब्रिगेड इन ब्रैकेट्स पटियाला। उसके हमारे लड़के शहीद हुए गलवान में जो हमारे 3 मीडियम के और सिख और बिहार रेजिमेंट के वगैरह सब वही थे। तो हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए, हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए हम हाजिर है, वी विल गिव इट टू आवर कंट्री। आई ओनली वॉन्ट के प्लीज लुक एट द प्लाइट ऑफ दो स्मॉल फार्मर्स। मेरी लड़ाई सिंगला साहब के लिए या लाडी जी के लिए या किसी और के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई है वो गरीब किसानी जो आज 75% किसान मेरे 5 एकड़ के कम है, उसमें से आधे 2-2.5 एकड़ के आदमी हैं। वो 2-2.5 एकड़ वालों के लिए मेरी लड़ाई है क्योंकि वो नहीं खटखटा सकते ऑन टू मिस्टर अंबानी और मिस्टर समबडी एल्स, वो तो बेचारे अपने आर्थिक के पास जाएंगे कि मेरी बेटी बीमार है मैं हॉस्पिटल जाना है, तो क्यों उन्हें इसको चलने दो। इस कारण हम इधर आए हैं और आई होप कि आई कैन नाउ रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गिव अस द सपोर्ट वी नीड सो दैट वी कैन गेट पंजाब आउट ऑफ दिस ट्रबल एंड अस मूविंग अहेड। थैंक यू ऑल, थैंक यू। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ।